Hey guys, today I am going to solve the past paper of Law Admission Test September 2019, the section of English. So let's start. So the first part is here. Fill in the blanks with suitable words. Khali jagah pur kare. The first MCQ is here. The windows are bare because I dash like curtains. खिड़कियाँ खुली हैं क्योंकि मैं पर्दे पसंद नहीं करती हूँ. सो द करेक्ट वन विल बी हेयर डोंट. द विंडोज़ आर बेयर बिकॉज आई डोंट लाइक कर्टेन्स. सो हेयर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट इज़ हाउ डैश मनी डू यू हैव. आपके पास कितने पैसे हैं. सो फॉर मनी द करेक्ट वर्ड विल बी much. How much money do you have. So here B option is correct. The next is did you dash. The word essay in word essay is derived from Latin word exegium. क्या आप जानते थे कि लफ्ज़ ऐसे में लफ्ज़ ऐसे लतीनी लफ्ज़ exegium से निकला है. The word correct word will be here no. Did you know the word essay in word essay is derived from Latin word exegium. So here C option is correct. The next is the idea dash longer match the reality of the modern world. ये ख्याल जदीद दुनिया की हकीकत से मैच नहीं करता है. For longer word the dash word must be no. This idea no longer matches the reality of the modern world. So here C option is correct. The next is where did you dash last summer. तुमने पिछला समर कहाँ गुजारा. Where did you visit last summer. So here C option is correct. The next is education must focus dash helping students gain information management and innovation skills. तालीम को मालूमात हासिल करने और नई स्किल्स हासिल करने में स्टूडेंट्स की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए. सो द करेक्ट वर्ड फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स मस्ट बी ऑन. Education must focus on helping students gain information management and innovation skills. So here A option is correct. The next is in the second section you have to choose a similar word here for hasi. The meaning of hasi is pareshani. Hasi ka matlab kya hai. Hasi ka matlab hai pareshani. So inconvenience is the correct one. The next is एक्सप्लिसिट का मतलब है वाजिया करना. सो ऑब्वियस इज़ द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज़ कैंडिड. कैंडिड का मतलब है सच्चाई. सो ट्रूथफुल इज़ द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज़ एपिडेमिक का मतलब होता है बीमारी मर्ज. सो कंटेजियस इज़ द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज़ एस्टोनिशिंग. एस्टोनिशिंग का मतलब होता है हैरान कुन. सो मार्वेलस इज़ द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज़ ईगर का मतलब होता है पुरजोश होना. सो एम्बिशियस इज़ द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज इन द थर्ड एंड लास्ट सेक्शन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनियोज. मुखालिफ लफ्ज़ तलाश करें. ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना. सीज का मतलब भी पकड़ना होता है कैप्चर कैच. बट रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना. सो द ऑपोजिट वर्ड फॉर ग्रैब इज़ रिलीज. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल. एग्जाम्पल क्राइटेरियन नॉर्म का मतलब मिसाल होता है लेकिन अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी. सो अल्टीमेट इज़ द ऑपोजिट वर्ड फॉर प्रेसिडेंट मिसाल. सो हेयर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट इज़ द ऑपोजिट वर्ड फॉर इंटाइटल. इंटाइटल का मतलब होता है इख्तियार होना इजाज़त देना. परमिट का मतलब डेसिग्नेट एम्पावर आर द सिमिलर वर्ड्स बट फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना. सो एंटाइटल फॉरबिडेड आर द ऑपोजिट वर्ड्स. सो हेयर ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट इज़ द ऑपोजिट वर्ड फॉर रिट्रीव. रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना. प्रिविलेज, रिट्रेन, गेन का मतलब हासिल, बट लूज, लूज का मतलब होता है खोना, बट लूज इज़ द ऑपोजिट वर्ड फॉर रिट्रीव, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट इज़ प्रिसीजन का मतलब होता है दुरुस्तगी, करेक्ट। एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस आर, बट वैक्यूनेस इज़ द मतलब होता है गलत होना, सो वैक्यूनेस and precision are the opposite words, so here C option is correct. Thanks for watching this video. Also share this lecture with your classmates and friends so that they also have a benefit of it, and don't forget to like and subscribe this video, and you can also visit the playlist of the channel to learn more and more. Goodbye.